देखिए अब सबकी तारीख पर ये हिस्ट्री पर ये तब पता चलेगा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस्लाम में सबसे पहला फिरका बना शिया और खारजी। जोर से बोलो, इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन बना? जोर से बोलो, शिया और खारजी। पहले नंबर पर फिरका कौन बना? जल्दी बोलो, शिया और खारजी। ये मौला अली की जंग हुई तो उसमें ये दोनों फिरके तैयार हो गए, एक शिया और दूसरे बोलो खारजी। दूसरे तीसरे नंबर पर दूसरी सदी में मोतजिला फिरका पैदा हुआ। कई फिरके हो गए? जल्दी बोलो, तीन। अब सुन लीजिए, तीसरी सदी में कोई फिरका नहीं, चौथी सदी में कोई फिरका नहीं, पांचवी सदी में कोई फिरका नहीं, दसवीं सदी तक कोई फिरका नहीं, ग्यारहवीं सदी तक कोई फिरका नहीं, बारहवीं सदी तक कोई फिरका नहीं, तेरहवीं सदी के शुरू में अरब में रियाज में जो सऊदीया की राजधानी है वहां एक फिरका बना। दो ग्रुप के लोगों ने मिलकर यह फिरका बनाया, एक आले सऊद और एक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इन दोनों ने मिलकर के अपनी फौज तैयार किया और वहां की हुकूमत पर कब्जा किया और पूरे अरब को चेंज किया और उसका नाम रख दिया सऊदीया अरबिया। क्या नाम रखा? जल्दी बोलो, सऊदीया अरबिया। जिसका नाम पहले हिजाज था, जिसका नाम पहले यमन था, जिसका नाम मुल्के शाम था, वो सारे हिस्से का नाम बदल कर क्या कर दिया? जल्दी बोलो, सऊदीया अरबिया। दो ग्रुप के लोग आपस में मिल करके इधर देखिए वहां हुकूमत किया और हुकूमत करने के बाद अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। जल्दी बोलो, अपनी जमात अहले सुन्नत से अलग कर लिया। इधर देखिए और नाम रखा वहाबी। क्या नाम रखा? जोर से बोलो, वहाबी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अब उसने अपना मिशन चलाना शुरू कर दिया, अपना तरीका चलाना शुरू कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत आएगी उसी का मामला तो चलेगा। अरे बोलो, कांग्रेस के जमाने में 500 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था, मोदी की हुकूमत आई जबकि असली नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन मोदी ने कैंसिल कर दिया तो वो नोट कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसकी लाठी जोर से बोलो उसकी भैंस। अरे जोर से बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले उसी मक्का मदीना में नबी पर सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी के मिलाद की महफिलें होती थी, नात खानी होती थी। 150 बरस पहले सब कुछ होता था, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आ गई इसने अपना सिक्का अलग जमाया और अपना कानून अलग लगाया कि जो सलाम पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो दरूद पढ़ेगा उसको कैद में डाल दिया जाएगा, जो नबी की तारीफ करेगा वो शिर्क है शिर्क, ऐसा करने वाले को जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज से 150 बरस पहले वहाबी की हुकूमत आई। अब आगे सुनिए, इधर देखिए, वहाबी से कट कर कितने फिरके बने। इधर देखिए, हिंदुस्तान में देवबंदी बना, इधर देखिए गैर मुकल्लिद बना, सलफी बना, अहले हदीस बना, जमात इस्लामी बनी। ये सारे फिरके वहाबी से कटकर बने हैं और वहाबी सुन्नी से कटकर बना। जोर से बोलो, वहाबी सुन्नी से कटकर बना और वहाबी से कटकर ये सारे फिरके बने। मेरी तरफ देखिए, सब पहले सुन्नी थे, सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सब एक प्लेट में खाते थे, एक घर में रहते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, लेकिन कसम खुदा यहूदियों ने हम लोगों को ऐसा बर्बाद किया। मेरी तरफ देखिए कि यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने हम लोगों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। इधर देखिए, यहूदी बंदूक चलाता है, हमको बर्बाद करता है, लेकिन सामने अपना चेहरा नहीं रखता। इधर देखिए, सामने सऊदी का चेहरा, बिल्कुल ऐसे समझिए गाधा सऊदी का और बंदूक। अरे जोर से बोलो, बंदूक। जोर से बोलो, कांधा किसका? सऊदी का और बंदूक किसका? जोर से बोलो, यहूदी का। जो यहूदी कहता है वो सऊदी कहता है और जो सऊदी कहता है
वो बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। दो नंबर पर मुसलमान है और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहर मुसलमानों के पास है, सोने का कप पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक ना हो सके, ये मुसलमान एक ना हो सके, मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो। लेकिन लड़ाने का तरीका ये है, डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है? जोर से बोलो, यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया? जल्दी बोलो, यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए, क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है, अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, अरे बोलो हॉलैंड में भी नहीं हो रहा है, बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा दो मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? और वहां तो अब गिरजाघर बन गया है, गिरजाघर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हॉल बन गया है, लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है। अब तुम क्यों कहते हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था, जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। अच्छा ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा, अरे बोलो, समझ में आई? आइए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, नबी से मोहब्बत कीजिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं। इजाजत दीजिए, वो लोग इजाजत है तो एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी। अरे बोलो, इजाजत है तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी किताबुल मकाजी, सफा नंबर 624। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 624। अन अबी सईदिन अल-खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु काल, अन अबी सईदिन अल-खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु काल, बोयसा अली इब्न अबी तालिब मिन अल-यमन इला रसूलिल्लाह बे ज़ुहैबा
जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई जाएगा नहीं, बस इधर देखिए आधे घंटे के अंदर तकरीर खत्म। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू लोग जाइए नहीं, वरना बहुत आप पछताएंगे। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, किस किताब की हदीस है? अरे बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो। अरे बोलो जिल्द नंबर कितना, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। 624 624 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। हदीस सुनिए, हदीस तो बहुत लंबी है लेकिन बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा। अरे बोलो, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है, चूंकि बहुत लंबी हदीस है। इधर देखिए, बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है ताकि आपको बता सकूं। इधर देखिए, लेकिन यह हदीस गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, और गलत नहीं है तो आपको होशियार रहना है, तौबा करना है, तौबा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, अकीदे में पुख्ता हो जा। नेतागिरी छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई। अरे जोर से बोलो, कैसी लड़ाई ये लड़ाई, अगर भाई भाई तो कैसी लड़ाई ये लड़ाई, इसीलिए के फर्क है। अरे जोर से बोलो, फर्क है इसीलिए तो लड़ाई, अगर फर्क ना हो तो लड़ाई खत्म हो जाए। इजाजत है, जल्दी बोले इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई चचा मियां, ध्यान से सुनिएगा, और हमारे बच्चे लोग, जवान लोग, हमारी माँ बहन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। इधर देखिए, नबी की बारगाह में एक जगह से मौला अली, कौन जल्दी बोलो, कच्चा सोना लेकर आए। क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, कच्चा सोना। माले गनीमत में वो सोना पाया था, वो कच्चा सोना नबी के पास लेकर आए। कच्चा सोना किसको कहते हैं, जमीन से निकला, अभी उसको भट्टी में साफ नहीं किया गया, ऐसे ही नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया। तो मौला अली क्या लेकर आए, जल्दी बोलो, कच्चा सोना। जब कच्चा सोना लेकर आए, जो माले गनीमत में पाया था, तो नबी ने 4 लोगों को बांटा। कितने लोगों को बांटा, जल्दी बोलो। ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो। कितने लोगों को बांटा, जैसे 4 लोगों को बांटा, इधर देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे 4 लोगों को बांटा, तो एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम जुल खुबैसरा था। क्या नाम था, नाम याद कर लो, क्या नाम था उसका। हदीस की किताब में उसका नाम दूसरी रिवायत में तस्करा है, जुल खुबैसरा। क्या नाम था, जल्दी बोलो, जुल खुबैसरा। ये नाम था वो शख्स, जैसे नबी ने 4 लोगों को बांटा तो वो शख्स खड़ा हुआ, और खड़ा होकर कहने लगा, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो, ए मोहम्मद अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसाफ से काम लो, जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हो, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको तुम दे रहे हो, ये बंटवारा ठीक नहीं है। किसने कहा, जल्दी बोलो, बोलो किसने कहा। इधर देखिए चचा मियां, ध्यान सुनिए, इधर देखिए, बेटा है तो उनको जाने दीजिए। इधर देखिए, नबी ने कई लोगों को बांटा, फिर से बोलो, अरे बोलो फिर से बोलो, 4 लोगों को बांटा तो किसने एतराज किया, जल्दी बोलो, जुल खुबैसरा। इधर देखिए, जुल खुबैसरा खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये बंटवारा ठीक नहीं है, बंटवारा ठीक नहीं है, इंसाफ से काम लो, अल्लाह से डरो। तो नबी ने, इधर देखिए, नबी ने गुस्से में कहा, वैलक
मर्दूत तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। अनामी वो मनफी समाय वलार, मैं आसमान और जमीन दोनों में अमीन जाना जाता हूं। मुझको जमीन वाले भी अमीन मानते हैं, आसमान वाले भी अमीन मानते हैं। मुझसे बड़ा इंसाफवर कौन होगा? मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा? तू मुझसे कहता है कि इंसाफ से काम लो। जैसे नबी गुस्से में आए तो खालिद बिन वलीद वहीं पर बैठे थे। फकाल खालिद बिन वलीद अला अज़रिबु उनुका या रसूल अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको इजाजत दें तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं। क्या कहा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो अभी मैं इसको पकड़ के कत्ल कर दूं, बूटी बूटी बना दूं, पीस पीस कर दूं। जैसे उसने कत्ल का नाम सुना तो भागा और नमाज पढ़ने लगा। क्या करने लगा? नमाज पढ़ने लगा। इधर देखिए, चूंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, इधर देखिए, अपने आप को मुसलमान कहता था लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। क्या था? हाथ उठाकर बोल, और जोर से बोलो। अंदर से मुनाफिक था, जाहिर में कलमा पढ़ता था, जाहिर में नमाज पढ़ता था, जाहिर में दाढ़ी रखे हुआ था, जाहिर में कुर्ता पायजामा पहने हुआ था, लेकिन अंदर में चोर छुपा था। इधर देखिए, मुनाफिक था मुनाफिक। इधर देखिए, वो जाकर नमाज पढ़ने लगा तो नबी ने कहा मत कत्ल करो। क्या कहा? मत कत्ल करो, तुम कत्ल करोगे तो जो नए नए मुसलमान बने हैं वो इस्लाम से भाग जाएंगे, कहेंगे कि अब तक मोहम्मद काफिरों को कत्ल करवा रहे थे, अब तो कलमा पढ़ने वाले नमाजी ही को कत्ल करवा रहे हैं। तो नबी ने हिकमत अमली से काम लिया, कत्ल नहीं करवाया, वरना नए नए जो मुसलमान बने थे वो डर के मारे इस्लाम मजहब को छोड़ देते। तो नबी ने कत्ल नहीं करवाया। गौर से सुनिए, जब कत्ल नहीं करवाया तो वो चला गया। इधर देखिए, मौका मिला, भाग गया। जब भाग गया, इधर देखिए, तो अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा कैसा था, सुनिए, उसका चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, सर का बाल कैसा था, कुर्ता पाजामा कैसे पहने हुआ था, सब सुनिए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस, गलत साबित करो तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर गलत नहीं है तो इधर देखो तुमको होश में रहना है। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी जो कहते हैं, रावी है, वो कहते हैं कि उसका चेहरा कैसा था, सुनिए, गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन, गाल निकले हुए, आंखें धसी हुई, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, दाढ़ी बहुत लंबी और घनी रखे हुए, सर को छिलाए हुए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए, सर छिलाए हुए, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, इधर देखिए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, जब वो भागने लगा तो नबी ने क्या कहा? इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा? जल्दी बोलो। इसी की नस्ल से यखरुज मिन दीहाजा यतलून किताब अल्लाह रतबा ला युजाबिज़ु ईमानहुम हनाजरहुम। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं जाएगा, जबान पर ही रहेगा। बेईमान होंगे, बेईमान, अंदर से दिल काला होगा, काला। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। इधर देखिए, नस्ल का माना इस्तेमाल किया, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना नस्ल है। जब कोई किसी की नस्ल से पैदा होता है तो उसी का डुप्लीकेट पैदा होता है। बेटा बाप की नस्ल से तो आंखें बाप की तरह, होंठ बाप की तरह, चेहरा मोहरा बाप की तरह, चलता है बाप की तरह, बोलता है बाप की तरह, दाढ़ी है बाप की तरह, पाजामा है बाप की तरह। नबी ने फरमाया, जैसे ये मेरा गुस्ताख है,
कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के अपने आप को मुसलमान कह के मेरी गुस्ताखी कर रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है, दिल में अंदर से बोक्स रखे हुआ है। इधर देखो, ऐसे ही कुछ मुसलमान पैदा होंगे जो नाम के मुसलमान होंगे, वो तुमको धोखा देंगे। जैसे इनकी दाढ़ी है वैसे उनकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे, जैसे ये सर छिलाए हुआ है वो भी सर छिलाएंगे, जैसे ये किरत अच्छी कर रहा है वो लोग भी अच्छी किरत करेंगे, जैसे ये इधर देखिए दाढ़ी लंबी रखे हुआ है वो लोग भी दाढ़ी बहुत लंबी रखेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, जो काम ज़ुल्खुवैसरा ने किया वही काम मेरे गुस्ताख लोग करेंगे। जैसे ज़ुल्खुवैसरा ने अपने आप को बर्बाद किया, ऐसे ही कुछ बेईमान लोग कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के रोजा रखे मेरे के खिलाफ मेरी आवाज, मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने जैसा कह दिया वैसा हो रहा है। नाम नहीं लिया मगर पहचान बता दी, हाथ उठाकर बोलो नाम नहीं लिया मगर पहचान। अरे जोर से बोलो पहचान। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, किसी ने किसी को बंबई में कत्ल किया, कहां कत्ल किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां कत्ल किया जल्दी बोलो। लेकिन पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में। पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में, पासकूरा में, हिंचा में। बोलो कहां? हिंचा बंगाल में पकड़ा गया। तो पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा जल्दी बोलो? पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया कि जब वो कत्ल किया था, इधर देखिए, तो उसकी पहचान न्यूज में बता दी गई, अखबारों में छाप दी गई, हर थाने वाले को, अरे बोलो, फिक्स कर दिया गया कि इस तरह का आदमी जहां से गुजरे उसको अरेस्ट किया जाए। नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन अपने गुस्ताखों की पहचान बता दी कि जैसे ज़ुल्खुवैसरा है इसी की नस्ल से मेरे गुस्ताख पैदा होंगे, कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। जैसे इनके दिल में बोक्स है उनके भी दिल में बोक्स होगा, जैसे इनकी दाढ़ी है उसकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये सर छिलाए है वो भी सर छिलाए होगा, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। नबी ने जैसा कहा, ये बुखारी शरीफ 600, बोलो पेज नंबर कितना जल्दी बोल, पेज नंबर कितना जोर से बोल, अरे बोल पेज नंबर कितना, 624 इस हदीस को गलत साबित करो, और अगर गलत नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा, होश में रहो, सुन्नी बनकर रहो। नबी ने सब कुछ बता दिया, इसी का नाम तो इल्मे गैब है। हाथ उठाकर बोलो इसी का नाम। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है।